बीते दिनों गुराया के गांव रुड़काखुर्द के एक प्लाट में मिली बच्ची की गुत्थी को गुराया पुलिस ने हल कर लिया। बच्ची को फेंकने वाले उसी गांव के एक लड़की और गांव अट्टे का रहने वाला लड़का था। दोनों के एक दूसरे के साथ प्रेम समान थे। कई बच्ची के कल अमृतसर में इलाज के दौरान मृत्यु भी हो गई। गुराया से राजकुमार नंगल। एक लड़की छोटी बच्ची मिली सी, उस संबंध जानकारी चाहिए थी कितों कितना बंदे फड़े। आज तो 3 दिन पहला जी एक नाबालिग लड़की जिड़ी जिड़ी की मैं लगता शायद 8 महीने की औरत से रुड़का खुर्द एक कलोनी पैंती है जी सुल्तान की पत्ती, वो पलौट के एक बच्ची पई सी। सानू उत्थे दे मौजूदा सरपंच जिहड़े रुड़का खुर्द दे उन्हां दा फोन आया सी, आपां जब जाके देखिया बच्ची जिउंदी सी। इदां लगदा सी जिद्दां कोई बच्ची नूं छड्ड गया जन्म तों बाद। वह बच्ची को आप सिविल हस्पताल उस तो बाद लिया जी, सिविल हस्पताल तो रैफर किया जलंधर, जलंधर तो बाद अमृतसर। बच्ची 2 दिन ठीक रही है जी। ये असी बच्ची के माँ प्यो की पता कराने की इन्वेस्टिगेशन की, जिदे बच्ची का जोड़ा जन्म है, बच्ची जो जन्म दिता वो जसवीर कौर डॉटर ऑफ अमरीक सिंह है जी। ये अपने रुड़का खुर्द ही रहने वाली एक लड़की है जिंद की उम्र 21 साल है। यदा यदि फ्रेंडशिप से एक मुंडे नाल अट्टे का मुंडा सी जी दीपा मल्ली, दीपा मल्ली इन्हों की फ्रेंडशिप से 1 साल तो उदे दौरान ही चलो इन्हों का रिलेशन बनया जो भी है, पर इन्हों की मैरिज नहीं हो पाई। ये दोनों असी मुंडा तो कुड़ी जिहड़े रिकवर कर ले आ, इन्हों के खिलाफ़ जिहड़ी बनती कार्रवाई अंडर सैक्शन 317 तहत असी परचा दर्ज करता हुआ है जी। तो सानू कल इनफॉर्मेशन मिली सी बच्ची जिहड़ी है उहदी डैथ हो चुकी है। हुण बच्ची के पोस्टमार्टम तो बाद जिहड़ा भी असी वादा जरूर करना वो तहत अपना धरावां दे तहत अगली जिहड़ी अगेतरी कार्रवाई अमल च लिया।